कोई चुनौती नहीं है और किसी में दम नहीं है। पब्लिक सबको नकार चुकी है बीजेपी को, इसलिए जिसको भी बनाना है ये उनके पार्टी का मामला है। नागपुर वाले लोग हैं, नागपुर से जो ट्रेनिंग करके आते हैं, जो आरएसएस के लोग होते हैं, बीजेपी के लोग होते हैं, उनको थेथोलॉजिस्ट का डिग्री दिया जाता है। लोगों में नफरत पैदा करते हैं और हिंदू मुसलमान की बात करके और नफरत पैदा करके देश को तोड़ना चाहते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सरकार बदलते ही बिहार विधानमंडल में विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन बिहार विधानसभा के कुर्सी को लेकर के तानातानी शुरू है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मुख्य प्रवक्ता राजद के भाई वीरेंद्र। क्या लगता है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है, नहीं लगता है कि सरकार की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि जो इस्तीफे की मांग हो रही थी विधानसभा के स्पीकर ने तो इस्तीफा नहीं दिया, तो क्या लगता है कि पुराने स्पीकर जो होंगे उन्हीं के नेतृत्व में चलेगा क्या? देखिए, विधानसभा चलता है नियमावली से जी, और विधान सभा का एक नियमावली है, उसी नियमावली के तहत उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है और अविश्वास प्रस्ताव हम लोगों ने 10 तारीख को दिया है और 24 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, स्वतः अपने आप ख़त्म हो जाएगा, लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस व्यक्ति पर अविश्वास प्रस्ताव होता है उसको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए हमको लगता है कि जो भी नागपुर वाले लोग हैं, नागपुर से जो ट्रेनिंग करके आते हैं, जो आरएसएस के लोग होते हैं, बीजेपी के लोग होते हैं, उनको थेथोलॉजिस्ट का डिग्री दिया जाता है। थेथोलॉजिस्ट तो ये थेथोलॉजिस्ट कर रहे हैं लोग, वही थेथोलॉजिस्ट अभी तो निश्चित रूप से आदमी को मानवता के नाम पर और नैतिकता के नाम पर आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए, बेइज्जती होने के पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो नहीं दे रहा है, तो हम लोग 164 लोग हैं और 164 लोगों ने उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दिया है, तो अपने आप स्वतः उनकी पद चली जाएगी। लेकिन भाई वीरेंद्र जी, जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसके तहत 2 दिन आपको विशेष लग जाएंगे, ऐसे में आपको 26 तारीख को नए अध्यक्ष मिलेंगे, तो क्या आप लोग वेट करेंगे या जो सत्र है उसकी जो तारीख है वो बढ़ाई जाएगी? देखिए, ये तो नेता, जो हमारे शीर्ष नेता है, नेतृत्व है, वो तय करेगा को क्या करना। अभी तो एक दिन का सत्र बुलाया गया है और हम बहुमत साबित करेंगे और बहुमत है ही मेरे पास, साबित क्या करना है, और अध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे, उसकी भी डेट तारीख निकल जाएगी। तो अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको, इस चुनौती को कैसे देख रहे हैं? अरे, नियमावली है विधानसभा का और उस नियमावली के तहत ही विधानसभा में सब लोग बंधे हुए हैं। न बाहर का संविधान कोई काम करेगा और न बाहर का कोई कानून काम करेगा, विधानसभा का नियमावली बना हुआ है, उसके तहत विधानसभा चलता है, इसलिए उससे ऊपर कोई नहीं है। एक ये भी विपक्ष के तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से 20 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा सरकार ने किया, लेकिन कल का जो तस्वीर रहा बीते दिन का, वो तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं है। हमको लगता है हमको तो लगता है कि वो या तो पढ़े लिखे कम है या पढ़ लिख कर भी माने बुर्बक जैसा बात करते हैं। कल लाठीचार्ज हुई है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आदेश दिया है जांच करने के लिए, और जांच में जो भी पदाधिकारी पाए जाएंगे दोषी, उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और हमको लगता है कि ये बीजेपी वाले का ये षड्यंत्र है पूरे प्रदेश में उपद्रव पैदा करना, कभी राष्ट्रीय झंडा को लेकर चलना, तिरंगा को लेकर चलना, कभी किसी तरह का, और कहीं ना कहीं फंडा है इसका, क्योंकि जनता इसको नकारती जा रही है, इसलिए हड़बड़ाहट में ये सब काम कर रहे हैं। इनको पूछना चाहिए अपने नेता मोदी जी से कि 14 में जो घोषणा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार हम देंगे, 8 साल हो गए, 16 करोड़ बकाया है नौजवानों का नौकरी, एक भी नौकरी नहीं दिया। हमारे नेता तो अभी 4 दिन जुम्मे 4 दिन ही हुआ है सरकार का, और उन्होंने वादा किया है कि 10 लाख वादा किया था
और मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा कर दिया कि हम दोनों आदमी का एक साथ चलकर और कंधे से कंधे मिलाकर 10 नहीं 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री निरीह हो गए हैं, अब अधिकारी ही शासन प्रशासन सब कुछ चला रहे हैं। ये उनकी सोची समझी राजनीति है और सोच है, और जब वो शासन में है, जब केंद्र में शासन में है तो वो क्या किया, महंगाई बेतहाशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रहा है और पूंजीपति बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आगे देश की गाढ़ी कमाई का पैसा सब पूंजीपतियों पर लुटाया जा रहा है। देश आज़ाद तो ज़रूर है लेकिन आज़ादी का माने आप समझिए कि हम आर्थिक गुलाम होते जा रहे हैं। एक और सवाल है कि बिहार में राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है, विष्णुपद में गैर हिंदुओं को प्रवेश करना वर्जित है, ऐसे में मुख्यमंत्री इजराइल मंसूरी को लेकर के गए हैं। विपक्षियों का कहना है कि ये मिली भगत साजिश है, केंद्र की राजनीति करना है मुख्यमंत्री को, वही वो एक संदेश देना चाह रहे हैं। क्या देखिए, यहाँ बीजेपी का कहीं दाल गलने वाला नहीं है, जो कुछ कर ले पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। इस खबर में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।